देशों के व्यापारिक रिश्ते कब नाजुक मोड़ पर पहुंच जाएं और कब टूटने की कगार पर पहुंच जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। अमेरिका और भारत के व्यापारिक रिश्ते हैं, लेकिन इधर व्यापारिक रिश्ते के बजाय एक दूसरे के जवाबी कार्रवाई पर टिके रह पाना मुश्किल हो रहा है। अब भारत के एक जवाबी कार्रवाई से अमेरिका ने एयर इंडिया को मुसीबत में डाल दिया है। दरअसल नई दिल्ली में सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए भारतीय एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग की मंजूरी नहीं है, जबकि भारतीय विमानों को अमेरिका में ग्राउंड हैंडलिंग की मंजूरी है। ऐसे अमेरिकी अधिकारियों ने भारत में ग्राउंड हैंडलिंग न मिलने पर विरोध जताया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि भारत में पहले एक समझौते में हस्ताक्षर किए गए थे ताकि सभी अमेरिकी फ्लाइट्स को ग्राउंड हैंडलिंग मिल सके। अब इधर अमेरिका ने भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया के ग्राउंड हैंडलिंग के लिए धमकी दी है। अमेरिका ने 1 जुलाई तक सभी भारतीय विमानन कंपनियों से ग्राउंड हैंडलिंग की जानकारी मांगी है। इससे एयर इंडिया के ऑपरेशन पर असर पड़ेगा। ईटी की एक रिपोर्ट ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमेरिका भारतीय विमानन कंपनी एयर इंडिया को ग्राउंड हैंडलिंग करने की धमकी दे रहा है, क्योंकि भारतीय विदेशी एयरलाइंस को ग्राउंड हैंडलिंग की मंजूरी नहीं है। फिलहाल दोनों पक्ष इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में एक भारतीय सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका की धमकी व्यापार वार्ता को असफल करने का रणनीतिक दबाव है। अगर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो एयर इंडिया को नुकसान होगा, क्योंकि एयर इंडिया एकमात्र एयरलाइन है जो न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को और वॉशिंगटन के लिए सीधी उड़ान संचालित करता है।